हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि एमकॉम का जो प्रोजेक्ट है MCOP 01, आप उसको किस तरीके से बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसका प्रोसेस क्या है। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज, मैं आपको पूरी डिटेल उस पर भेज दूंगा। आपका किस तरीके से उसमें पेज भी जो आपको डाउनलोड करना है उसका भी लिंक भेज दूंगा, आपको पूरा प्रोसेस उसमें मैं लिख के भेजूंगा आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी जो है 50% ऑफ चल रहा है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं और 100% जो है आपको उसमें सक्सेस मिलेगी और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ताकि आप जो है टॉप ग्रेड के मार्क्स उसमें आपको मिलेंगे। तो करना क्या है सिनोप्सिस में, सबसे पहले जो एक सिनोप्सिस बनेगी मैं बताऊँगा उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे आप। तो आपको जो है सबसे पहले एक फ़र्स्ट पेज मिलेगा, आपको फर्स्ट पेज के अंदर आपको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, अपने गाइड की इन्फॉर्मेशन भरनी है, उसके बाद आपको अपनी सिनोप्सिस को लगाना है। सबसे पहले फर्स्ट पेज, उसके बाद सिनोप्सिस, और सिनोप्सिस के बाद आपको अपने गाइड का जो डाटा है, रिज्यूम है, वो लगाना है, और उसके बाद उसको पोस्ट कर देना है, या बाय हैंड अगर आपके नज़दीक है तो वहाँ पे जाके आपको अपने स्टडी सेंटर पे आपने सबमिट कर देना है अपनी सिनोप्सिस को। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर आपको सिनोप्सिस मिलेगा, तो सिनोप्सिस जो है उसको अप्रूवल करते हैं, वो चेक करते हैं गहराई से कि इसमें क्या है, उसमें आपको सारी चीज़ें बतानी होती है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे इसमें मैं कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, जब आप सिनोप्सिस बनाएंगे तो हर जिस चीज़ के ऊपर बनाएंगे, जो भी इशू है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर, आपने जो एमकॉम के अंदर पढ़ाई किया तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसमें आपने रेशनले में क्या क्या आप इंक्लूड करेंगे, आपका मेन पर्पज़ क्या है इस प्रोजेक्ट को बनाने का, आप जो बुक पढ़ रहे हैं जिसका आप रेफरेंस ले रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किसने लिखी हैं, क्या उसका आप पूरा डिटेल में सारी चीज़ें आपको बनाना है, और हम अपनी रिसर्च को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आप कहाँ जाके रुक गए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें इसमें, और आप जो है अपनी रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड करेंगे, वो सारी चीज़ें रहेंगी। रेफरेंस के अंदर आपको अपनी बुक्स वगैरह के रेफरेंस देने पड़ेंगे कि हमने कहाँ कहाँ से पढ़ के जो है इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी सिनॉप्सिस के अंदर। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, आपको जो है उसको प्रिंट करके फर्स्ट पेज लगा के और गाइड का डाटा लगा के आपको सबमिट कर देना। अगर आपके पास गाइड भी नहीं है तो आप भी तब भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी देखता हूँ कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता हूँ उसके अंदर या नहीं, ठीक है। जब आप रिपोर्ट बनाओगे, जब आपने रीजनल सेंटर भेज दिया, उसके बाद वो 1 से 1.5 महीना लेंगे, उसको थ्रूली चेक करेंगे, अगर कोई इश्यू होगा तो रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज कुछ कॉमेंट लिख सकते हैं कि इसमें और भी ये चीज़ें ऐड करो। तो आपको फिर आप जब अप्रूवल आ जाएगा तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। तो जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाएगी आपकी, तो उसी के पीछे आपको जो आपकी सिनोप्सिस अप्रूव हुई है उसको लगाना है, उसके बाद गाइड के बायोडाटा को लगाना है, और फिर आपको इसको सेंड करना होता है दिल्ली के अंदर, ठीक है। और या फिर एक अपलोड लिंक है जो मैं आपको मैसेज करूँगा, उस पर आपको इसको अपलोड कर देना है। तो इन चीज़ों में अगर आपको फिर भी लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है आपके एमकॉम का जो प्रोजेक्ट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, 100% आपको सक्सेस मिलेगी, 100% होगा आपका अप्रूवल, गारंटी है। अगर कोई भी इशू आता है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दूसरी सिनोप्सिस दे दूंगा। हमारे जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और 100% अभी तक जो हमारे स्टूडेंट है वो सेटिस्फाई है, जितने भी स्टूडेंट को हमने अभी तक बना के दिया है, और क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, 100% अच्छे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं सेल्फ ज्ञान के द्वारा। तो अभी अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 50% ऑर्डर 50% ऑफ है, लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है ये। तो आप मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर, अगर कोई भी इशू आता है तो कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।